हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा स्टॉक जो हमें अच्छी खासी मूवमेंट दे सकता है आने वाले कुछ महीनों में, और हमें अच्छे खासे रिटर्न्स मिल सकते हैं। चलिए देखते हैं। स्टॉक का नाम है मैन इंफ्रा। मैन इंफ्रा एक ऐसा स्टॉक, एक पेनी स्टॉक है जिसने अच्छी खासी पहले भी मूवमेंट दे चुकी है। मैंने 17 और 20 लेवल्स पे इसमें काम किया था, उसके बाद ये काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद एक देखिए यहाँ पे मूव आया था। ये लेवल्स पे मैंने काम किया था इसमें, और फिर यहाँ से फिर वो एक 74 का हाई लगाया था जनवरी 2018 में, और उसके बाद एक कंटिन्यूस इसमें ब्रेक डाउन दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे एक सेल ऑफ आया है पूरा 2 साल तक, और यहाँ पे एक कंसोलिडेशन की बात देखिए, यहाँ पे सेल ऑफ आया है। ठीक है, 2 साल तक जनवरी 2018 से लेके हम लोग ने जनवरी समझो 2020 तक, यानी 2 साल इसमें एक सेल ऑफ था, और उसके बाद ये तो कोरोना के ये जो पैंडेमिक था इसके लिए एक और एक मतलब जो एक पैनिक सेलिंग हुई है इसमें ये था। ठीक है यहाँ पे, और फिर एक साइडवेज चला गया था देखिए मार्केट ये, उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया है अभी, और ये काफ़ी 2 साल की ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा में दिखाई दी, मैंने दिखाई थी आपको, तो सेम ये ट्रेंड लाइन जो 2 साल की ट्रेंड लाइन है इसे ब्रेक किया है इसने अपसाइड, और अभी फिलहाल के लिए 2 दिन से ये थोड़ा कंसोलिडेट टाइप हो रहा है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इसे बाय है, और आप बाइंग कर सकते हो 25 और 26 के लेवल्स पे इस पर विद स्टॉप लॉस ऑफ 22, और इसमें टारगेट्स आपको दिखेंगे आते हुए 50 और 55 के, जो कि आपको पोजिशनल टारगेट्स है। वो आने वाले कुछ 6 या 12 महीनों में आपको ये टारगेट्स अचीव होते दिखेंगे। मैं इस स्टॉक में इसलिए बुलिश हूँ क्योंकि एक ये इंफ्रा स्टॉक है, और इस टाइम गवर्नमेंट इंफ्रा को बहुत ही अच्छा पुश दे रही है। जैसे कि आपने सुना होगा कि गुजरात गवर्नमेंट ने अपना जो गुजरात का FSI है वो बढ़ा दिया है, उसी होप्स के चलते इंफ्रा स्टॉक्स भाग रहे हैं। अब देखोगे कि जो हमारे इंफ्रा स्टॉक्स हैं जैसे DLF हो गया, ये मैन इंफ्रा हो गया, या फिर कोई भी जो आईबुल रियल इस्टेट हो गया, तो कुछ दिनों में ये स्टॉक्स ने अच्छा खासा एक रन दिया है, तो वो उसी होप्स के चलते है जो गवर्नमेंट जो गुजरात गवर्नमेंट ने FSI बढ़ाया है, तो ये होप्स के चलते कि सारे स्टेट्स में अगर FSI बढ़ा दिया जाए तो फिर ये एक पॉजिटिव साइन होगा इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स के लिए, जो कि स्टॉक्स को ऊपर की तरफ खींच सकते हैं। और मार्केट्स अभी जो हमारे इंडियन मार्केट्स है उसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स बहुत ही अच्छी लेवल्स पे जो वैल्यूएशंस पे जो स्टॉक्स हैं जिनका वैल्यूएशंस काफ़ी अच्छा हो सकता है, तो उस स्टॉक्स में निवेश करना चाहते हैं, तो ये उसमें से एक होगा। राधाकृष्ण दमानी जैसे बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं उनके ऑलरेडी स्टेक्स हैं, और वो भी बुलिश हैं इस स्टॉक पे। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे देखिए एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनाया है इसमें, और इसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया है, तो ये 22 और 23 की लेवल बहुत ही डिसाइसिव होगी इसके लिए। 22 की लेवल से एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगी, इसलिए मैंने आपको 22 का स्टॉप लॉस दिया है। ऊपर की तरफ आपको टारगेट्स आते हुए देखेंगे ऊपर की तरफ, पहला शॉर्ट टर्म अगर टारगेट पूछोगे मैं से तो 34 का टारगेट होगा इसमें, और आने वाले दिनों में जो मेरा फाइनल टारगेट होगा इसमें वो होगा 58 का। ठीक है, पहला टारगेट होगा 34 का, उसके बाद फिर एक 42 का टारगेट होगा, और 42 के बाद 58 का। तो ऐसे टारगेट्स जो हैं ये शॉर्ट पीरियड के हैं, बट इफ लॉन्गर टाइम के लिए अगर आप पूछोगे, जैसे हम 1 वीक का चार्ट देखते हैं, देखिए वीकली चार्ट है ये, वीकली चार्ट में देखिए यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा खासा मूव दिया है, तो मैं होप कर रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताएगा ये और फिर इसने एक मूवमेंट देगी, मूवमेंट आएगी जो कि स्टॉक को आराम से 38 और 42 के लेवल्स पे लेके जा सकती है। तो मेरा सजेशन होगा इसमें बाइंग का, और आप इसमें बाइंग कर सकते हो अराउंड अबाउट 25 और 26 के लेवल्स पे विद स्टॉप लॉस ऑफ 22। आपको टारगेट्स आते हुए दिखेंगे इसमें 58 के। ठीक है, तो अभी के लिए इसमें बाय है विद स्टॉप लॉस ऑफ 22 फॉर द टारगेट्स ऑफ 58, जो हमारी 100% मोर देन 100% इसमें आपको
रिटर्न्स मिल सकते हैं। और मेरा एक सजेशन होगा कि आप पेनी स्टॉक्स में इतना ही पैसा लगाए जो आपको, मतलब जो आप बेयर कर सकते हो, जो लॉसेस आप बेयर कर सकते हो। हम पूरा हमारा कैपिटल का पैसा पूरा कभी नहीं डालते पेनी स्टॉक्स में। छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट कीजिए जो आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है। और प्रॉफिट बुकिंग आपको करना आना चाहिए एवरी स्टॉक। आपको अगर कोई स्टॉक आपको प्रॉफिट दे रहा है 100%, तो आपने बुकिंग उसमें बुक पूरा मत बुक कीजिए, बट आपका जो जो कैपिटल है उतना ही आपको निकाल लेना है उसमें से। बाकी के शेयर्स अगर आप रखते भी हो एज अ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट तो वो सही होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल, और कमेंट भी भेजिए अगर जो भी आपको डाउट होगा। अगर आप कमेंट करते हो तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा, और कोई भी डाउट्स उसमें आप पोस्ट कर सकते हो। मैं जितना भी हो सके मेरा जो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल, और कमेंट भी कीजिएगा अगर आपको कोई डाउट हो किसी भी स्टॉक्स के बारे में। और कोई स्टॉक अगर आपको करना चाहते हो, मतलब इसमें फीचर करना चाहते हो कोई स्टॉक, तो आप वो भी भेज सकते हो मुझे, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।